नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। फ्यूचर का एक मल्टी बैगर कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड, इस कंपनी के रिलेटेड दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रहा है। तो आइए देरी ना करके सीधे हम न्यूज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, टाटा पावर टू क्रिएट इंडिया मोस्ट कंप्रिहेंसिव रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म रेजिंग 4,000 करोड़, दैट इज 525 मिलियन $ टू फंड ग्रोथ ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपने रिन्यूएबल बिजनेस के लिए यहाँ पर 4,000 करोड़ का फंड रेज करने जा रहा है। और ये फंड कहाँ से आएगा इसको भी इन्होंने डिटेल में बताया है। द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, दैट इज टाटा पावर एंड ब्लैक रॉक रियल इस्टेट इंक्लूडिंग मुवाडला इन्वेस्टमेंट कंपनी मुवाडला हैव entered into a binding agreement to invest in Tata Power's renewable energy subsidiary of Tata Power Renewable Energy Limited। देखिए ये यहाँ पर जो renewable energy में ये investment होगा 4,000 करोड़ का, और इसके तहत इन्होंने जो है agreement करते हुए नजर आ रहे हैं। डिटेल में अगर ना दोस्तों इस transaction के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है ट्रांजैक्शन डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं आप। ये देखिए, द बीएलके एसपीबी विल इन्वेस्ट, जो ब्लैक रॉक मुवाडला है, ये 4,000 करोड़ इन टू इक्विटी ट्रेंच, टू इक्वल ट्रेंचेस। देखिए दो ट्रेंच में ये इन्वेस्ट करेगा। पहला नंबर पर आएगा 2,000 करोड़ इच, ओके। ट्रेंच वन थ्रो इक्विटी, देखिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि 2,000 करोड़ इन द क्लोजिंग ऑन द क्लोजिंग डेट, यहाँ पर इसको मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है ट्रेंच टू थ्रो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए 2,000 करोड़ का ये यहाँ पर आएगा आफ्टर 6 मंथ। इक्विटी के बाद ये 6 मंथ के बाद फिर 2,000 करोड़ इसको मिलने वाला है। फाइनल शेयर होल्डिंग ऑफ बीएलके एसपीबी इन द टीपीआरईएल, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, इसमें इस कंपनी का जो बीएलके एसपीबी का दोस्तों जो होल्डिंग हो जाएगा 9.76% से 11.43% का, यहां पर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट और भी यहां पर और कुछ डिटेल में दिया है, जो ट्रांजैक्शन ये होने वाला है, ट्रांजैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज इन नेक्स्ट 2 to 3 months, आने वाले 2 से 3 महीने में ये जो है दोस्तों इसको फंड मिल जाएगा, फंड आना चालू हो जाएगा और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर कंपनी के लिहाज से दोस्तों देखा जाए तो एक जबरदस्त डेवलपमेंट है। ऐसा भी नहीं है कि कंपनी यहाँ पर दोस्तों लगातार, अगर आप देखेंगे टाटा पावर पिछले कई दिनों से लगातार बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहा है, बहुत सारे एक्विजिशन भी अपने रिन्यूएबल सोर्सेस को बढ़ाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कर रहा है। डिटेल में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट आज का दिन है, ब्लैक रॉक मुवाडला 4,000 करोड़ आज का न्यूज था। नेक्स्ट है रिसर्जन पावर वेंचर्स पीटी लिमिटेड कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ एनआरएसएस ट्रांसमिशन लाइन, इस सेगमेंट में जो इसका एक सब्सिडरी कंपनी है इसको भी एक्विजिशन किया था। टाटा पावर सोलर कमीशन 160 मेगावाट एसी सोलर प्रोजेक्ट एच राजस्थान, इसको भी रिसेंटली कंप्लीट करते हुए दिखा था। द पावर रिन्यूएबल कमीशन 300 मेगावाट सोलर प्लांट, ये गुजरात में कंप्लीशन हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। टाटा पावर गेट्स एनसीएलटी अप्रूवल कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, और जीसीजीपीएल के साथ जो इसका अरेंजमेंट था इसके लिए भी इसको अप्रूवल मिल चुका है। टाटा पावर एंड रुस्तम जी ग्रुप कोलाबोरेट टू सेटअप ईवी चार्जिंग, ये भी ये कोलाबोरेशन हुआ था। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड पार्टनर्स विथ बैटरी स्मार्ट टू एनेबल रोबस्ट ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ये भी अब न्यूज निकल के सामने आया था। टाटा पावर साइन एमओयू विथ इनवेरियो टू डिप्लॉय ईवी चार्जिंग पॉइंट इन गुरुग्राम, ओके, ये भी न्यूज निकल के सामने आ रहा। तो जबरदस्त, ऐसा नहीं है दोस्तों, कंपनी लगातार लगातार कुछ ना कुछ इसका न्यूज सामने आ ही रहा है, कभी एक्विजिशन का, कभी यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी जबरदस्त है दोस्तों। भले ही अभी थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है बट ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में रिन्यूएबल सेगमेंट में बहुत बड़ी रिवोल्यूशन आने वाला है। जो ग्रीन फ्यूल हुआ दोस्तों, ग्रीन पावर हुआ, इसके इसके प्रति जो गवर्नमेंट का भी फोकस अभी बढ़ रहा है, ऐसे में एक फ्यूचर का कंपनी हिसाब से आप टाटा पावर लिमिटेड को अपने रेडार पर रख सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करके
चल सकते हैं। बाकी अगर मैं कंपनी के बारे में डिटेल बताऊं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात थोड़ा कर लेते हैं। देखिए 273 रुपीज में अभी ट्रेड कर रहा है, 298 रुपीज इसका 52 वीक हाई निकल के आता है। और इसका अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊं, देखिए पिछले 3 साल का रिटर्न कंपनी का आपके सामने है, 270.83% निकल के आया है। 1 साल की अगर बात किया जाए 184.92% निकल के आता है। ईयर टू डेट देखिए 23% का रिटर्न यहां से आ गया है। पिछले 1 हफ्ते से कंपनी यहां पर ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, नेगेटिव आपको मिलेगा 5% का रिटर्न। बाकी अगर हम कंपनी की और कुछ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, कंपनी के दोस्तों नंबर्स के ऊपर हम बात करेंगे, तो सीधे हम इसके ऊपर चलते हैं और इसको भी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए रेवेन्यू लगातार इसका ईयर वाइज बढ़ता ही जा रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए, इसमें हाईएस्ट नेट प्रॉफिट 2019 में आया था 1329 करोड़ का, फिर थोड़ा सा डीप हुआ देखिए। और अगर थोड़ा सा ईयर वाइज नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, बट अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखेंगे, देखिए अभी भी कंपनी जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए लगातार काम कर रहा है, इसका प्रॉफिट नहीं आया है नेगेटिव। दिसंबर क्वार्टर में भी 106 करोड़ का इसको घाटा होते हुए नजर आया था, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दोस्तों, इसका हर प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, वहाँ से रेवेन्यू आएगा, तब ये कंपनी आपको आने वाले देखेंगे कि ये जो है और भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आपको देगा। बाकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करूं, 1.4% की जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है, इसमें आपको दोस्तों यहां पर जो है प्लेज होता हुआ दिखेगा। एफआईआई क्या कर रहे हैं देखिए, 10.84% की होल्डिंग रखते हैं, और डीआईए के पास 15.89% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 26.4% की होल्डिंग है। कंपनी अच्छा है। अब एक न्यूज़ भी निकल के सामने आया दोस्तों, इस न्यूज़ के चलते आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट तो दिखेगा, कुछ इसमें हलचल तो होगा ही होगा। बस आप इस कंपनी को अपने रेडार पर रखिए, हो सके तो इन्वेस्टमेंट करके भी चलिए। बाकी कंप्लीट डिसीजन कंपनी के लेके तो आपके खुद का ही रहने वाला है। बस आज के लिए इतना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद।